फ्यूचर जिसको पता होता है वो आसानी से पैसा कमा सकता है, इनफैक्ट पैसा कमा नहीं सकता, बना भी सकता है। और फ्यूचर प्रेडिक्शन सबको पता है, ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं मेरी या आपकी नहीं, मैं कोई खुदा नहीं हूँ जो मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, सारी इंडस्ट्री बोल रही है, सबको अंदर से दिख रहा है कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट कर रही है। आने वाला वक्त इसी का ही है, जिस जैसे हालात दिख रहे हैं सबको दिखाई दे रहा है, और जब दिख रहा है कि ये फ्यूचर है तो हम इसमें इन्वेस्ट करके उसे होल्ड करके क्यों ना रखें फ्यूचर के लिए। ज्यादा मत रिस्क उठाओ, मैं आपसे कहूंगा ज्यादा रिस्क मत उठाओ, आप अपनी जो भी आपके पास पैसे हैं उसका 10% ही, इतना 10% का रिस्क तो उठा ही सकते हो। मान लो 10,000 रुपए हैं तो आप 1,000 रुपए कॉर्नर करके साइड करके उसको फ्यूचर में इन्वेस्ट करूंगा, इतना तो कर ही सकते हो। याद रखना मेरी बात, ई व्हीकल्स फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं आपसे आज भी बोल रहा हूँ, और ये मैं ही नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एनालिस्ट मिल जाएंगे जो कि ये बात आपको बोलेंगे कि ई व्हीकल आने वाले समय में यही है फ्यूचर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर आपको फ्यूचरिस्टिक यू नो वे से आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बूम आने वाला है इसमें। क्योंकि आप सोचो कि अभी कितने हो गए, 140-138 करोड़ की जनसंख्या है ना, और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल चाहिए, किसी को बाइसाइकिल चाहिए, किसी को 2-व्हीलर चाहिए, किसी को 4-व्हीलर चाहिए, समझ रहे हो। बसेस भी आने वाले समय में, इनफैक्ट एक कंट्री के अंदर तो जो ट्रक है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक रोड्स बना दिए हैं जहाँ ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं, ट्रक भी उसी से चल रहे हैं। तो आने वाला वक्त इनका है और इसको आप छुपा नहीं सकते, इसलिए आप सबसे पहले आपको जो काम करना है, आप खरीदोगे तब जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, सबसे पहले जाके डीमेट अकाउंट खुलवाओ। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।